हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक तो आईपीओ से रिलेटेड बातें करेंगे जो कि कल मार्केट में आने वाला है। ओके, कल आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर करना है नहीं करना है उसके रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट और एक और बातें हैं जिससे रिलेटेड हम बातें करने हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आज क्या किया है मार्केट में। ओके, मार्केट गिरी है तो उन्होंने कितना निकाला है, क्या हमें उससे डरना चाहिए नहीं, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और सबसे पहले उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना ताकि आपको सब कुछ समझ में आए आईपीओ से रिलेटेड भी और आने वाली कल की मार्केट से रिलेटेड भी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक आपको एंजल ब्रोकिंग में फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जो कि बहुत सारे बेनिफिट के साथ आपको मिल रहा है फ्री में अकाउंट, एज वेल एज बात करें यहाँ पर श्री राम जी का जन्मभूमि पर मतलब अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार आप दान दे सकते हैं और पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज की डेट में कितना मार्केट गिरा है। इससे पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया है कि केस क्या क्या मार्केट में गिरा है और किस तरीके के स्टॉक्स में हमें रहना है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर आप मेरी सीधी मेरे ऑफिशियल चैनल पर जाना और वहाँ पर वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा सबसे पहला जो रिसेंट वीडियो है वो आपको दिख जाएगा। तो देखिए आज के दिन इतना सारा मार्केट गिरता है और ये कुछ नहीं है, जस्ट एक डर है जो कि डर की वजह से गिरा है। क्योंकि अगर मैं आपको अभी कुछ डाटा दिखाऊंगा तो उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। और अगर हम बात करें क्यों गिरा है तो गिरा इसलिए ही है क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके एज वेल एज कर्नाटका कुछ जगह पर लॉकडाउन की सिचुएशन बनी पड़ी है और कोविड के केस बन रहे हैं। और अभी लॉकडाउन हुआ नहीं है बट लॉकडाउन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो दोनों यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगी। तो जिस चीज़ से रिलेटेड अगर हम बातें कर रहे हैं ओके, तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए डोजोन्स तो कल के दिन में तो देखिए फ्लैट ही बंद हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था कि मार्केट गिरने वाला। बट स्टिल अगर यहाँ पर गिरावट हमारी मार्केट में दिखी है तो अगर मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं आज का डेटा, यहाँ 22 फरवरी है, आज की डेट है 22 फरवरी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं DIS और FIIs का डेटा तो यहाँ पर देखिए लगभग जो उनकी बाई वैल्यू थी 9,454 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खरीदा है और 10,347 का यहाँ उन्होंने बेचा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ तो अगर टोटल की अगर बात की जाए तो ज़्यादा नहीं लगभग 893 करोड़ रुपीज़ का ही उन्होंने बेचा है। और फॉरेन DIS की बात करूँ तो उन्होंने 919 करोड़ रुपए का उन्होंने बेचा है। बट यहाँ पर सिंपल पैनिक दिखाई दिया है। अगर उन्हें FIIs को ज़्यादा बेचना होता ना तो वो देखिए यहाँ पर देखते FIIs में भी देखिए डरने वाले होते हैं, जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स भी डर जाते हैं वैसे ही तो उधर भी होता है। तो इसलिए देखिए थोड़ा ही बहुत गिरावट है, थोड़ी बहुत ही उन्होंने बेचा है। अगर उन्हें ज़्यादा ही बेचना होता तो देखिए ये सितंबर का डेटा है ओके, जब मार्केट एक बार क्रैश हुआ था तो उन्होंने इस तरीके से बेचा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर 200-500 से शुरुआत करके 2,000-3,000-1,800 ओके यहाँ पर 2,000 ये इस तरीके से बेचना शुरू किया था। और फिर जब बेचना शुरू किया था तो अच्छा खासा ही बेचा था। बट हमारी इंडस्ट्री हमारा भारत है ओके ग्रोइंग उसमें है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ और ज़्यादा गिरावट होगी। अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है ना तो मैंने वीडियो बनाया किस तरीके के शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी। तो यही सारा डेटा है ओके। अभी डोजोन्स ओपन होगा तो आपको और थोड़ा पता चल जाएगा। और बाकी यूएस का मार्केट आप देखते रहना, यूएस की कुछ न्यूज़ देखते रहना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या होने वाला है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। बट हाँ, प्रिकॉशन लेने की ऑब्वियसली बात है, जरूरत है ओके। हमें कम से कम पैसे यहाँ पर लगाना है और अपने कैश को होल्ड करना है क्योंकि अगर कोई कभी भारी गिरावट होती है ना, अगर 1,500-2,000 पॉइंट एक साथ गिरते हैं तो उस टाइम में हम खरीद पाए। बट स्टिल आपको अच्छे शेयरों में बने रहना है जो कि मैंने हमेशा से आपको पिछले 7 दिनों से 10 दिनों से अच्छे अच्छे स्टॉक्स बता रहा हूँ और हमेशा कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा हूँ उसी वीडियो को कि आप इसी में बने रहे। तो इसके अलावा एक वीडियो और है जिससे रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। देखिए हरनबा इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ, इसका आईपीओ आ रहा है ओके। ये कंपनी करती क्या है तो सबसे पहले ये इसी पे बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्रोकेमिकल्स की कंपनी है। एग्रोकेमिकल्स का मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, अगर बात की जाए इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ, तो इससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है और जिससे रिलेटेड ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर हम यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स भी देखें तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के प्रोडक्ट, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट स्टिल आप यहाँ पर जाके अगर किसी
को पता होगी, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर बिजनेस यहाँ पर आपको समझ में आए तो हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि वॉरेन बफेट साहब हमेशा कहते हैं। बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट द IPO, कि IPO आ रहा है तो क्या है। तो जैसे कि बता दिया है मैंने आपको, तो ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, ओके, और ये एग्रोकेमिकल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डिफरेंट और इनका जो कंपनी का जो इम्पोर्ट ही नहीं बल्कि सॉरी एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट करती है बहुत सारी कंट्रीज़ में, और हमारी कंट्री में इनके प्रोडक्ट नहीं, लगभग 60 कंट्रीज़ में ये इंटरनेशनली ये कंपनी काम मतलब अपने प्रोडक्ट्स को भेजती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है। उनका CAGR और PE रेशो भी काफ़ी अच्छा है, और पिछले काफ़ी सालों से CAGR भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और अगर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सेम एज यूजुअल जैसे हर एक कंपनी का रहता है कि प्रोडक्ट की रेंज बढ़ानी है, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल को रीच करना है जो कि ऑलरेडी इनका है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि इनका है, लार्ज कस्टमर बेस भी इनका है। तो ये सब चीज में ही कंपनी काम कर रही है। ये इनके प्रमोटर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेट्टी साहब, तो यही यहाँ पर है। अगर इनके फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र मार लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एसेट की वैल्यू है, ये 18 का है, ये 19 का है, ये 2020 फाइनेंशियल्स का है, ओके, ये मार्च का, और ये सितंबर मार्च का है। अगर टोटल एसेट की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा देखिए बढ़ते हुए मैनर में ही दिखाई दे रही है ईयर इन ईयर बेसिस पे, ओके। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पर हम देखते हैं 6 महीने का डेटा, तो यहाँ पर भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर टोटल रेवेन्यू की भी बात की जाए, ओके, रेवेन्यू भी देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये घटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सीधे कोविड का इंपैक्ट है मार्च में, तो इस वजह से यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। बट स्टिल इसने दोबारा वही रेवेन्यू में ग्रोथ हमें मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करें तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टर बेसिस पे। तो यहाँ पर हमें कंपनी फाइनेंशियल तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, मार्केट में लाना है, एक्सचेंज पर लाना है, तो ये लिस्ट कराना है, वही उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। अब कंपनी कब आ रही है, ओके, क्या इसकी डिटेल्स है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IPO से डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। अगर 23 तारीख मतलब कल की डेट ट्यूसडे यहाँ पर आता हुआ नज़र आएगा, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उस 23 से 25 की तारीख के बीच में कभी भी कर सकता है। 10 का रुपीज़ का इनका फेस वैल्यू है। प्राइस का रेशो 626 to 627 है, ओके, अगर कट ऑफ प्राइस पे आप लगाएंगे तो 627 के हिसाब से आपके पैसे कटेंगे। 23 शेयर का आपको लॉट मिलेगा, एक ही लॉट पे आप एक लॉट मिनिमम आपको खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा आप 13 लॉट्स के लिए एज यूजल जो होता है, ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप 13 लॉट्स के लिए मैक्सिमम जा सकते हैं। इसकी वैल्यू 187,473 होगी, और एक लॉट की वैल्यू जो कि आपको लेना ही पड़ेगा 14,421 रुपये का। तो इतने लॉट की वैल्यू है। अगर बात की जाए IPO 23 को आ रहा है, 25 को बंद हो रहा है, 2 तारीख को अगर आपको मिले होंगे शेयर तो वो मिल जाएंगे, 3 तारीख को जिसे नहीं मिला वो पैसे मिल जाएंगे, रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, पैसे मिलने का मतलब है रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, और 4 तारीख को यहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपके को अलॉटमेंट मिला होगा। और IPO लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो 5 मार्च को यहाँ पर लिस्टिंग डेट देखा रहा है। हम इसके ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। और अगर हम बात करें फ्रेश इशू, तो फ्रेश इशू यहाँ पर एग्रीगेट अप टू 60 करोड़ मतलब 60 करोड़ रुपीज़ का ही केवल फ्रेश इशू आ रहा है। बाकी अगर बात करें तो सारा का सारा यहाँ पर आपको ऑफर फॉर सेल मतलब अपन जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपनी थोड़ी बहुत अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं OFS के थ्रू, यहाँ पर शेयर को मार्केट में ला रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि जो सेबी का रूल होता है 75:25 का, जो कि विद इन 3 ईयर्स करना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी IPO के थ्रू आएगा तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी इनके पास 98.1% के शेयर है, जो कि आफ्टर इशू ऑफ द मार्केट में लिस्ट होने के बाद 74.1% की हिस्सेदारी रह जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात करें इसके GMP की, तो GMP के लिए देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्राइस जो कि होता है, तो ग्रे मार्केट प्राइस अगर हम आज की ही बात करें तो लगभग 24% का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है, जो कि 105 रुपीज़ है। तो 105 रुपीज़ का मतलब है कि लगभग 100 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर अभी GMP चल रहा है। बट अगर मार्केट में गिरावट इसी तरह होती रही जैसे कि अभी आज के दिन में हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो GMP है वो घट भी सकता है, ओके, जैसे कि अभी रियलटेल का आपने देखा ही है 15 से 17 रुपये का उसका GMP चल रहा है, ओके, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कंपनी तो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है, अच्छा खासा रिजल्ट भी पेश कर रही है, PE रेशो कुछ ज़्यादा नहीं है, PE रेशो इसका 20 के आसपास बताया जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए।
प्री इशू पी लगभग 18 रुपीज़ का, इसका पी 18 का यहाँ पर पी बताया जा रहा है। ईपीएस भी काफ़ी अच्छा है, तो कंपनी हर पैरामीटर में अच्छी लग रही है और प्लस में एग्रोकेमिकल से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं किसान को मेन मद्देनजर रखा जा रहा है इस बार हमारी एग्रीकल्चर में। मेन हमारे बजट में भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है। और अगर एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर, ये केमिकल से रिलेटेड है जो कि आगे चल के इंडिया को अपने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए केमिकल्स में ही अच्छा खासा यहाँ ग्रोथ हमने देखी है पिछले टाइम भी, और आगने वाले टाइम में भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आप जा सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो ये अच्छा खासा है। इसका अभी जीएमपी भी चल रहा है 105 रुपये, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो लगभग आप लगा लीजिए जो भी 27 मल्टीप्लाई 100, तो इतने रुपीज़ के आसपास लगभग 2700 रुपये का प्रॉफिट आपको होता हुआ नजर आ जाएगा, 2300% का। बट मार्केट अगर गिर जाती है आपके पक्ष में नहीं रहती, और ऐसी गिरती रहती है तो जीएमपी जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव में डिस्काउंट में भी ये शेयर लिस्ट हो सकता है मार्केट में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, बाकी सारे सर्कमस्टांसिस का ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट भाग जाती है तो जीएमपी और भी बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। तो यही सब बातें थी जो इस आईपीओ से रिलेटेड थी, जिसका नाम क्या है आप देख लीजिए, हरनवा, ओके, हरनवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका आईपीओ है, कल की डेट में आ रहा है। एक लास्ट दिन आप अप्लाई करना, क्योंकि 2 दिन में मार्केट का एक बार आपको व्यू पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, किस तरीके से एचएनआईज का बिहेवियर है, किस तरीके से आप मार्केट में इसका ये सब्सक्राइब हो रहा है या नहीं हो रहा, और एज वेल एज मार्केट में क्या चल रहा है, क्या निफ्टी गिर तो नहीं रहा, ये सब चीज़ देख के आप उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके आप खुद कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी इस वीडियो को एज वेल एज चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।